फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज आपने देखा ही रहेगा कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ रोल ऑन वैक्सिंग से अंडरआर्म्स के ऊपर वैक्स करके, तो अपने लेग्स के ऊपर, हैंड्स के ऊपर या बॉडी के ऊपर रोल ऑन वैक्सिंग करते हुए देखा ही रहेगा, लेकिन अंडरआर्म्स के ऊपर वैक्सिंग करते हुए नहीं देखा रहेगा। मैं फर्स्ट टाइम आपको दिखा रही हूँ। तो आपको अंडरआर्म्स के ऊपर रोल ऑन वैक्सिंग से वैक्स करना चाहिए या नहीं, अंडरआर्म्स के ऊपर वैक्सिंग करना सेफ है या नहीं, तो आज मैं ये सब पूरा प्रोसेस खुद के ऊपर करके दिखाऊंगी, लाइव करके दिखाऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखना। वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है रोल ऑन वैक्सिंग, वाटर स्प्रे, पाउडर, ऑयल, क्लींजर, वैक्स स्ट्रिप्स और वैक्स रिफिल। इस तरह से आपको मशीन को ऑन करना है और जब गर्म करने के रखेंगे उसके ऊपर कवर नहीं करना है। तो अभी सबसे पहले मैं अंडरआर्म्स को अच्छे से क्लीन करके लूँगी, उसके ऊपर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अंडरआर्म्स क्लीन होने के बाद अभी मुझे क्लींजर लगाना है और उसको अपनी स्किन में ऑब्जर्व होने के लिए 2 से 3 मिनट रखना है। उसके बाद मैं पाउडर यूज़ करूँगी। अभी सबसे पहले आपको वैक्स स्ट्रिप्स के ऊपर वो देखना है स्मूथ है या नहीं, 3 से 4 बार स्मूथ है या नहीं, ये करके देखना है। अभी आपको अंडरआर्म्स के ऊपर हीटर को लगाना है, अच्छे से देख के लगाना है। उसके बाद फिर वैक्स स्ट्रिप से जैसे हम निकालते हैं वैसे एक ही टाइम पे निकालना है। अभी आप देख सकते हैं मेरी हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं निकली है, तो मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं कोई भी वैक्स वापस सेकेंड टाइम लगा रही हूँ, और वो भी और एक गलती हुई है, मैंने बिना पाउडर यूज़ करके लगाया है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और फिर उसके बाद मेरा अच्छे से निकल गया, बट पाउडर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 2 बार करने के बाद मेरा अच्छे से क्लीन हुआ, तो आप देख सकते हैं। अभी ये होने के बाद आपको क्लीन पानी से नहीं करना है, आपको ऑयल ही लगाना है, क्योंकि ये भी हार्ड वैक्स लाइपोसोलेबल वैक्स होता है, उसमें आपको ऑयल चाहिए ही। उसके बाद सेम प्रोसेस में दूसरे हैंड्स के ऊपर भी कर रही हूँ। फर्स्ट वाटर स्प्रे से उसे क्लीन करके लिया, क्लींजर लगाया और उसके बाद पाउडर लगा के उसका मॉइस्चर हटा रही हूँ। उसके बाद फिर वापस वैक्स हीटर को मैं लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं अंडरआर्म्स के ऊपर बिल्कुल भी स्मूथ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है करते टाइम। तो इस तरह से मैं अभी फिर भी मैंने वन साइड लगा के ही निकाला है, फिर भी मेरी हेयर ग्रोथ बाकी है, तो मैं अभी वो जो पहले गलती की वो नहीं करते हुए वापस पाउडर लगा के फिर वैक्स को लगा रही हूँ। और फिर अभी सेकेंड टाइम देन अच्छे से उसको प्रेस करने के बाद फिर बाल अच्छे से निकल गए और क्लीन हो गया है। और फिर उसको ऑयल लगा के उसे सेट कर रही हूँ। ऑयल लगाने के बाद आपको थोड़ा टाइम उसे ऐसे ही रखना है। फ्रेंड्स, आपने देखा ही रहेगा कि मैंने किस तरह से अंडरआर्म्स के ऊपर वैक्सिंग रोल ऑन से किया। बट रोल ऑन में से आपको अगर अंडरआर्म्स से वैक्सिंग करना है और वो एक सॉफ्ट पार्ट में आता है, एक्चुअली उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, बिल्कुल भी एकदम स्मूथली नहीं हुआ। मुझे 2 से 3 बार वैक्सिंग करना पड़ा, तब जाके मेरे हेयर ग्रोथ थोड़ी बहुत अच्छे से निकली, फिर भी अच्छे से नहीं निकली। तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि रोल ऑन से आपको अंडरआर्म्स के ऊपर वैक्सिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी हार्ड स्किन होते हुए भी मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ वैक्सिंग करते टाइम। तो आपको सॉफ्ट पार्ट में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यही है मेरी इस बारे में रोल ऑन वैक्सिंग अंडरआर्म्स के ऊपर करने के लिए आपके लिए सजेस्ट। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर देना कि मैं आपको ऐसे ही नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आनंद वीडियो में, बहुत सारी खुशी के साथ। बाय।